SUIT TEDx के थियोट्रिकल ब्रिलियंस में मैं नमिता आपका स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले अपने कुर्सी की पेटियां बांध ले। ये यात्रा आपको नवरस से होकर मनोरंजन की तरफ ले जाएगी। इस यात्रा के लिए अपने दिल और दिमाग के द्वार पूरी तरीके से खोल ले। नवरस को समझने के लिए मेरे साथ मेरे साथी ख्याति, धर्मिल और सिद्धार्थ आपके साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं नवरस के बारे में। सबसे पहले श्रृंगार रस यानी कि रोमांटिज्म, उसके बाद आता है वीर रस यानी कि ब्रेवरी, तीसरा रस हम जानते हैं हास्य रस यानी कि लाफ्टर, उसके बाद हम देखेंगे करुणा रस यानी कि सैडनेस। करुणा रस के बाद हम जानते हैं शांत रस यानी कि पीस, और उसके बाद हम देखेंगे भयानक रस यानी कि फियर, और फियर के बाद आइए जानते हैं इभत्स रस यानी कि डिस्गस्ट, और वहां से हम देखते हैं क्या होता है अद्भुत रस यानी कि सरप्राइज, और अंत में वो रस जो हम सब अपने अंदर कूट कूट के भर के बैठे हैं यानी कि राजरस। आई एम हैंग्री। आशा है कि आपको नवरस के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। आगे के सफर के लिए आइए देखते हैं एक छोटे से नाटक की पेशकश। कैप्टन अनिकेत पंड्या अब हमें जल्द ही अपने निश्चित स्थान तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। तो आइए लेते हैं एक नजर हर घर की कहानी पर। यह कहानी है चार लोगों की, जिसमें है राजीव, पुष्पा, राहुल और अनाया। आइए देखते हैं कि किस तरीके से इनकी घर घर की कहानी हमें देखती है। पुष्पा जी, मेरे खाना लगा दो। जी अभी लगे। अरे बेटी चाय ले आना। ये लीजिए आपका खाना। क्या कर रही हो जल्दी करो। कितना नमक इसमें? नहीं पसंद आया आपको? बिल्कुल नहीं। तो कल से खुद पका के खा लेना। क्या हुआ? माँ सोने पर मुझसे कुछ चाय गिर गई। आप साफ कर दोगे ना? ऑफ कोर्स बेटा, मैं साफ कर दूंगी। तुम्हारे पापा मुझे शादी करके लाए ही इसलिए हैं ताकि इस घर को एक सुंदर सुशील पढ़ी लिखी नौकरानी मिल सके। मम्मी अब तुम्हें क्या हुआ? मेरी इयररिंग्स मैंने वहाँ रखी थी, कहाँ गए? मेरे सर पर है, ढूंढ लो। लेकिन आपके सर पर तो सिर्फ जुए हैं। ये क्या किया तुमने? मेरा मतलब है पुष्पा, आई हेट यस रे। आराम समझ के फ्लावर समझे थे क्या? फ्लावर नहीं, फायर हूं मैं। तो ये थी इनकी पेशकश। आप सोच रहे होंगे कि यहां पर नवरस कहां दिखा? तो आइए कहानी को रिवाइंड करते हैं और इस कहानी में छिपे नवरस को जानते हैं। चलिए रिवाइंड कीजिए। कहानी शुरू होती है राजीव और पुष्पा के श्रृंगार रस यानी कि रोमांटिज्म से। पुष्पा जी, मेरे लिए खाना लगा दो। जी अभी लाए। ये लीजिए आपका खाना। खाना का निवाला मुंह में डालते ही इनका श्रृंगार रस अचानक से परिवर्तित हो जाता है बिभत्स रस में। कितना नमक इसमें? यह सुनकर पुष्पा के भीतर करुणा की उत्पत्ति होती है। नहीं पसंद आया आपको? बिल्कुल नहीं। लेकिन करुणा के ऊपर बिभत्स देख करके वो अचानक से शांत से धीरे धीरे क्रोध की ओर जाती है। तो कल से खुद पका के खा लेना। यहाँ पर अचानक से अद्भुत रस में आए राहुल उनके स्टेज पर आते हैं और कहते हैं मम्मी 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 मम्मी, वहाँ गलती से मुझसे चाय गिर गई,
आप साफ कर दोगे ना? और बेटी की ये पुकार सुनकर शांत रस से क्रोध रस तक जाते हैं। अच्छा बेटा, मैं साफ कर दूंगी। तुम्हारे पापा तो मुझे शादी करके लाए ही इसलिए हैं ताकि इस घर को एक पढ़ी लिखी सुंदर सुशील नौकरानी मिल सके। ये कन्वर्सेशन हो ही रहा था कि अचानक से करुणा रस में इनकी बेटी अनाया ने आया। लेकिन इस करुणा के ऊपर इनका रौद्र रस कुछ ज्यादा ही छलक गया। मेरे सर पर ढूंढ लो। इस रौद्र रस को देख करके अचानक से अनाया की करुणा रस हास्य रस में परिवर्तित हो गई। लेकिन मम्मी, आपके सर पे तो सिर्फ जुए हैं। और ये हास्य रस जब रौद्र रस के साथ मिला तो उत्पत्ति हुई हिंसा की। लेकिन इस हिंसा को रोकने के लिए पिताजी के मन में वीर रस जागा और उन्होंने पुष्पा को रोकने की कोशिश की। ये क्या किया तुमने? लेकिन इस रौद्र रस को देख करके अचानक से उनका वीर रस भयंकर रस में तब्दील हो गया। मेरा मतलब है पुष्पा, I hate this name। पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझे थे क्या? फ्लावर नहीं, फायर हूं मैं। अंत में आप देख सकते हैं कि राहुल भय रस में है, पुष्पा वीर रस में है, राजीव शांत रस में है और अनाया करुणा रस में है। आज के नवरस की यात्रा यहां समाप्त होती है। आशा करते हैं कि अगली बार टेडेक्स एसवीआईटी के थिएट्रिकल ब्रिलियंस में हम आपको और थिएट्रिकल चीजों के बारे में माहितगार करेंगे।